अगली खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त अगली खबर जो हमें मिल रही है वो है भोपाल से, जहां टीकमगढ़ में दर्ज एफआईआर का विरोध कांग्रेस करेगी। चुनाव विवाद में एफआईआर दर्ज की गई थी, कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह और उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। चुनाव में आमने सामने दोनों तरफ से कार्यकर्ता हुए थे, जिसके बाद यादवेंद्र सिंह और उनके परिवार के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, कांग्रेस अब टीकमगढ़ में दर्ज एफआईआर का विरोध करने का पूरा प्लान बना रही है। यादवेंद्र सिंह और उनके परिवार पर चुनावी समय में एफआईआर दर्ज की गई थी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, यदि टीकमगढ़ की बात की जाए तो चुनावी विवाद पर जो एफआईआर का जो विरोध है अब वो कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि बात की जाए जिस प्रकार से चुनावी समय चल रहा था, चुनावी समय में यदि बात की जाए विधायक लाखन सिंह यादव की बात की जाए, बृजेंद्रनाथ कुशवाहा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो टीकमगढ़ के कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, योगेंद्र सिंह के जो परिवार हैं, उन पर जो फर्जी जो मुकदमा है, कांग्रेस लगातार कह रही कि ये पूरा फर्जी मुकदमा है, तो इसके लेकर कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस पार्टी है वो एक अभियान शुरू करने वाली है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश स्तरीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो टीकमगढ़ जाएगा और कांग्रेस जो विधायक है उनके समर्थन में अलग अलग जगह पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी करते नजर आएगा। मगर बात की जाए पूरे मामले की, तो पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस है अब बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी आमने सामने हो गई है। जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। अब देखना होगा आगे पूरा मामला किस तरह से जाता है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो टीकमगढ़ कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा। टीकमगढ़ में यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता और उनके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद अब दोनों ही आमने सामने हो गए हैं।